नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पष्ट रूप से भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने शिक्षा विभाग और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अब एक नया मोड़ ला दिया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी अपडेट अपने चैनल के माध्यम से लगातार प्रोवाइड करता रहता हूं कि ये मात्र एक ऐसे विधायक हैं जो शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ बनकर सदैव उठते हैं, और इन्होंने हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ को, चाहे विधानसभा हो, चाहे दीपक सर हो, या फिर सिंचाई विभाग के किसी भी अधिकारी तक हो, पहुँचाने में बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान किया है। तो सबसे पहले तो इनका हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी और इस चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि इन्होंने नई नियमावली में कुछ आवश्यक शर्तें रखी है और कहा है कि नई नियमावली ऐसी होनी चाहिए, इसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को सुविधाएं जो है बहुत सारी मिलनी चाहिए। तो भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि बिहार में शिक्षक नियोजन जिस नियमावली के तहत रुका हुआ है उसका फाइनल स्वरूप तैयार हो गया है। उसे कैबिनेट में अभी नहीं लाया गया है, लेकिन कुछ सुझाव मैंने शिक्षा विभाग को लिख दिया है। संदीप सौरभ ने सुझाव दिया है कि पहले की नियोजन इकाइयों पंचायत प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप को खत्म कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर लिखा, और बिहार के शिक्षा मंत्री के समक्ष इन्होंने कुछ मांगे रखी हैं कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दें, राज्यकर्मियों को जो सुविधाएं मिलती हैं वह सरकार उन्हें दे, जैसे कि राज्यकर्मियों को नियत वृद्धि मिले, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता भी शिक्षकों को मिले। शिक्षकों का स्थानांतरण लंबे चरण से रुका हुआ है, उसे सरकार सभी के लिए एक साथ करे। प्रधानाध्यापकों के पदों पर सरकार बहाली निकाले, और स्पष्ट लिखा है कि प्रधानाध्यापक के पदों पर सरकार यू टर्न नहीं ले, और 50% पद परीक्षा से और 50% प्रमोशन से जो पद हैं वो भरे जाएं। और देखिए क्या क्या बातें लिखी हैं कि पुरानी पेंशन की, ये देखिए लिखा है, पुरानी पेंशन स्कीम शिक्षकों के लिए सरकार लाए, ऐसा कहा जा रहा है। सामाजिक विज्ञान में BBA अर्हताधारी को भी अर्हय माना जाए, स्नातक कोटि के गणित विज्ञान विषय के लिए BCA योग्यताधारियों को भी अर्हय माना जाए। और देखिए क्या कुछ बातें हैं, मैट्रिक्स में प्रथम वित्तीय उन्नयन और द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः 12 और 24 वर्ष की संतोषजनक लगातार सेवा अवधि के स्थान पर क्रमशः 10 और 20 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा अवधि किया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद संचित अर्जित अवकाश के भुगतान की व्यवस्था की जाए, ये भी कहा गया है। और लिखा है कि 3 वर्ष सेवानिवृत्ति की बाधा को समाप्त किया जाए। महिला, पुरुष, दिव्यांग, नवनियुक्त शिक्षकों को आगामी होने वाले स्थानांतरण में अवसर प्रदान किया जाए। अंतर स्नातक में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी यदि स्नातक में 50% अंक प्राप्त किए हैं तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाए। आगे लिखा है कि सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति में समान नियत वेतन के पद पर सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए नवनियुक्त नवनियुक्त शिक्षकों को आवेदन करने का अवसर दिया जाए। प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाइयों के बदले जिला नियोजन स्तर पर स्पष्ट है कि महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में महिलाओं के खाली पद पर संगत कोटि के पुरुषों की नियुक्ति कर पद को भरा जाए। विद्यालय में स्नातक ग्रेड के शिक्षक उपलब्ध रहने पर बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को विद्यालय प्रभार से मुक्त करते हुए स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को विद्यालय का प्रभार दिया जाए। और क्या क्या बातें हैं कि विद्यालय में स्नातक ग्रेड के शिक्षक उपलब्ध रहने पर बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को विद्यालय प्रभार से मुक्त करते हुए स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को विद्यालय का प्रभार दिया जाए। प्रधान शिक्षक भर्ती में अनुभव की बाध्यता को समाप्त करते हुए स्पष्ट लिखा है, देख सकते हैं कि अनुभव की बाध्यता जो है उसे समाप्त किया जाए, और जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं उन्हें मौका दिया जाए। तो बहुत सारी बातें जो है वो रखा है माले विधायक ने, और स्पष्ट रूप से नियमावली को काफ़ी लचीला बनाने की कोशिश की है। तो बड़ी बड़ी बातें इसमें रखी गई हैं, बड़ी बड़ी बातें की भी जा रही हैं कि भाई इस तरीके से अगर प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो भाई बहाली की प्रक्रिया तीव्रगामी गति से तो आगे बढ़ेगी, लेकिन नई नियमावली सबके लिए सही होगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय।